यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की। फिलहाल हत्या की वजह और हत्यारों का कोई पता नहीं चल सका है। बता दें कि बावनखेड़ी गांव निवासी 40 वर्षीय अबरार उर्फ गुड्डन पुत्र हबीबुल्लाह का दरवाजा रहित है। हबीबुल्लाह का घर दरवाजा रहित है। शुक्रवार रात वह कमरे का दरवाजा बंद किए बिना ही 5 वर्षीय बेटे तैयब के साथ सो रहा था। बताया जाता है कि रात करीब 12:30 बजे दो लोग उसके कमरे में घुसे, अबरार के सिर में गोली मारी और फिर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अबरार को CHC में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। मेरठ में उपचाराधीन हालत में सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। परिजन शव को गांव ले आए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या की वजह और हत्यारों का कोई पता नहीं लग सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? शेर अफजल। जी, रात के 12:30 बजे इनके एक छोटे लड़के ने बताया कि यहाँ पे दो आदमी आए और मेरे पिताजी के फावड़े की मूंद मारी और बाहर चले गए। फावड़ा हमें गेट से बाहर पड़ा हुआ मिला। रात हमने आन के देखा, एक फावड़ा बाहर गेट के बाहर पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जो यहाँ से उन्हें लेके चले गए हसनपुर सरकारी अस्पताल से, फिर मेरठ को रेफर कर दिया गया। वहाँ जाके उन्होंने आनंद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। कौन लोग थे? उन दोनों लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी। ऐसी कोई दुश्मनी ना है। क्या काम करते थे? इन्होंने एक खोखा कर रखा था, इस पर बैठे रहते थे। पहले कोई लकड़ी का काम करते थे, तो फिलहाल वो खोखे में खोखा चला रहे थे, खोखे पे रहते थे इस पर। इसमें हसनपुर में रात्रि में एक युवक की सर पर चोट मारकर घायल किया गया था, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 3 लोगों के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर, और ये गाँव के ही 3 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दिया गया है, और इसमें पुलिस आगे जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें ये आपस में परिचित हैं और पूर्व में इनके कुछ मुकदमे भी रहे हैं। एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं। इसमें इनकी कुछ रिश्तेदारी भी है आपस में। इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर आगे कार्रवाई की कर रही है।